नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गया पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ 9 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नीमचक बथानी क्षेत्र अंतर्गत सिमरौर गांव में कुछ अपराधियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो सनोवर खान के घर से सनोवर खान के साथ कुल 9 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 राइफल, जिंदा कारतूस, धारदार चाकू, ड्रोन कैमरा के अलावा कई आपत्तिजनक सामान को किया गया बरामद। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि इनमें 5 अपराध कर्मी बोकारो जिलों में कुछ सप्ताह पहले जमीन के मामले में फायरिंग भी की थी और चाकूबाजी भी की गई थी। इस मामले में यह सभी अपराध कर्मी वांटेड थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। इन अपराध कर्मियों के पकड़े जाने से गया पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। क्या सफलता मिली है? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि निमचक बथारी थाना क्षेत्र के सिमरौर गांव में कुछ अपराध कर्मी वहाँ पर एक बड़ी अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निमचक बथानी थानाध्यक्ष को अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ वहां पर छापेमारी करने हेतु भेजा गया। तो इसके द्वारा जब वहां पर पहुंच करके सनोवर खान के घर का घेराबंदी कर उसके घर में तलाशी ली गई, तो वहां पर कई सारे जो हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक सामान वहां पर बरामद किया गया, जिसके संबंध में जब इनसे पूछा गया इनके द्वारा कोई असंतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जो वहां से सामान बरामद हुआ है उसमें एक सिंगल बोर का राइफल है तथा एक सिंगल इसके अलावा एक सिंगल बोर का दो राइफल है सिंगल बोर का, एक विंडोलिया है जिसमें कई सारे जिंदा कारतूस है, एक काला रंग का बैग है जिसमें 42 कारतूस है, एक पिस्टल है जो कि देसी पिस्टल है तथा इसके अलावा एक ड्रोन है, ड्रोन कैमरा है, दूरबीन है तथा कई सारे तेज मार वाले चाकू बरामद किए गए थे। इसके विवरण जो इनसे पूछताछ किया गया है, इसमें 4 लोगों का अपराधिक इतिहास पाया गया है, जिसमें सादाब खान राजा एवं महबूब अंसारी जवान जो कि तथा उमेर खान, सरोवर खान और अमन खान का आपराधिक इतिहास इसमें पाया गया है, जिसमें से 5 जो लोग हैं वो बोकारो जिला के में विगत 1 सप्ताह पहले उनके द्वारा वहां पर जमीन विवाद में फायरिंग की घटना कारित की गई थी तथा चाकूबाजी की घटना कारित की गई थी, जिसमें कई लोग वहां पे गंभीर रूप से जख्मी थे और उसके बाद से ही वो यहां पर आकर के छिपे हुए थे। और जो इसमें से जो 2 राइफल है उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया है कि वो इनके परिवार के कुछ लोग थे, वो लाइसेंसी राइफल है, परंतु उसका सत्यापन किया जा रहा है और लाइसेंसी जिनके नाम था वो व्यक्ति वहाँ पर पाए नहीं गए थे, तो उसका सत्यापन भी किया जा रहा है। और साथ में जो अन्य जो सनोवर खान के ऊपर भी पूर्व में अपराधिक इतिहास पाया गया है, जिसमें वो बोकारो जिला के ही बालेडी थाना में वो रहने वाला, उसका गांव यहाँ है लेकिन बोकारो जिला में रहता है और वहाँ पे वर्ष 2020 में उस पर 307 का कांड दर्ज हुआ था। और इसके अलावा उमेर खान पे निमचक बथानी थाना क्षेत्र का 2015 में कांड दर्ज हुआ था, 307 का दर्ज हुआ था। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 9 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से भारी संख्या में जो सामान बरामद हुआ है उसमें 2 राइफल है, 1 देसी पिस्टल है, 87.315 बोर का कारतूस है जिंदा कारतूस, 7.63 mm का जिंदा कारतूस है, 10 मोबाइल बरामद हुआ है, 1 ड्रोन कैमरा, 1 दूरबीन, 4 खंजर बरामद हुआ है। और इस पूरे जो टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और बड़ी घटना को कारित होने से पहले ही यहां पर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, तो उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। ये ड्रोन कैमरा क्यों रख रहे थे ये लोग? अभी तक जो पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, इनके द्वारा बताया गया है कि ये शादी विवाह के अवसर पे उपयोग के लिए उसको उपयोग करते थे, परंतु इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है क्योंकि ये इसमें कई ऐसे अपराधकर्मी हैं जिनका आपराधिक इतिहास है और अभी हाल फिलहाल में भी इनके द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है, तो इसको अभी सत्यापन। ये जो लाइसेंस
बंदूक था, तो जिनके घर से मिला उन्हीं के नाम से है? देखिए, इसमें दो लोगों के नाम से जो मिला था, दोनों मतलब दो राइफल मिला है और बताया गया है वो दोनों व्यक्ति उस समय घर में मौजूद नहीं थे, तो उसके बाद हम लोग उसे सत्या कहा जा रहा है कि घर उन्हीं का था जिनके नाम से लाइसेंस बंदूक। देखिए उसमें अभी हम लोग, क्योंकि इनके पास, इनके ऊपर अपराधी जिनके पास से मिला है, जिस समय जिनके पास से मिला है उनका साथ में अपराधिक इतिहास भी है और उनके पास से अवैध हथियार भी है, तो हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।